समस्त देशवासियों को आज का मुद्दा परिवार की तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बाजार में बिकने वाला झंडा, चौराहों पर बिकने वाला झंडा, ये धंधा भी कोरोना की भेंट चढ़ गया। कोरोना के चलते प्रत्येक दुकानदार की 70% से ज़्यादा सेल। देखिए इंडियन फ्लैग पर हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। आपने लगभग ये जो माल लिया, लगभग कितने का माल लिया और ये फिलहाल में जो बच गया, इससे आप क्या करेंगे? अब इसको क्या करेंगे, इसको तो पैक करके रखना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं हम लोग। लगभग इस बार कितने का निकला, कुछ अनुभव बताएंगे आप? इस बार 10,000 रुपए घर से चले गए। इस बार चले गए आपका कोरोना महामारी में ये लगभग जो आपने दुकान लगाई है झंडे की, और इसके बाद में ये पैसे आपके लगभग चले गए? हाँ, इस बार चले गए हमारे। वैसे तो हमारा वैसे लगभग जो पहले लगाते थे उसमें क्या होता था, उसमें हमारा 2,000-3,000 रुपए बच जाता था अपना। इस बार नहीं बचा, इस बार कुछ नहीं बचा। इस बार तो सिर्फ लॉसी में जा रहे हैं हम लोग। वहीं सदियों से अमन और चैन का प्रतीक कहे जाने वाली पारंपरिक पतंग का बिजनेस भी खासा प्रभावी रहा। इस साल पतंग विक्रेताओं को 80% घाटा हुआ है। बचे हुए माल का अब ये क्या करेंगे और इस कर्जे को कहां से चुकाएंगे, ये तो वक्त के गर्भ में छिपा है। आज का मुद्दा ब्यूरो। नाम है आपका? आप ये जो पतंग की दुकान लगाए हुए हैं, ये इस बार आपका काम कैसा निकला? ये पहले से इस बार काम मंदा है? तो पहले लगाते थे, पहले अच्छा चलता था, इस बार काम डाउन रहा है आपका। ये लगभग ये जो बचा हुआ माल है, आप इसका क्या करेंगे? अब गोदाम पर जमा करेंगे। तो ये जो बचा हुआ माल है, ये आप घर पर रखेंगे, कैसे क्या करेंगे? ये जो जितना आपका घाटा हुआ नहीं बिका ये माल, क्या करेंगे इस माल का? अब इस माल को तो हम अब अगले साल देखेंगे। अगले साल देखेंगे, बाकी का पैसा तो आपका फंस गया है। बाकी पैसा हमारा फंस चुका है, अब दिखेगा तो दिखेगा, नहीं तो वैसे तो देख ही लेंगे। रखे अब बेकार हो जाएंगे। तो लगभग कितने का माल खरीदा था आपने? 5,000 का माल खरीदा। लगभग कितने की सेल कर दी आपने इसमें? इस बार कुछ नहीं, अभी 1,000 रुपए की सेल हुई है। 1,000 रुपए की सेल हुई है ये आपकी? तो ये आप पहले जो लगाते थे, पहले से आपको इस बार घाटा हुआ है कोरोना काल में, जो आपने पतंग की दुकान लगाई है, आपकी सेल नहीं हुई इस बार? तो हमको बहुत घाटा हुआ इस कोरोना की वजह से, इस लॉकडाउन में। अब अगली बार देखेंगे क्या होगा, बहुत हल्का मंदा काम चलेगा।